महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊंवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, फिर से आ चुकी हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ऋतु आर्या लेकर आप सभी लोग का मन पसंदीदा कार्यक्रम महकता आंचल। श्रोताओं, सेहतमंद त्वचा खूबसूरती का सबसे अनमोल तोहफा है, लेकिन अभी सर्दी का करें तो क्या करें जो त्वचा की खूबसूरती को छीन लेती है ना, मैं सही कह रही हूँ? पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी त्वचा के प्रति लापरवाही बरतें। हम सब जानते हैं कि हम दिन भर कितना सारा काम करते हैं, दिन भर की धूल हमारी त्वचा को नुकसान पहुँचाती है, इसीलिए सर्दियों में जरूरत होती है त्वचा की खास देखरेख करने की। श्रोताओं, हम पहले जानते हैं सर्दियों में हमारी त्वचा शुष्क क्यों हो जाती है। इन दिनों की शुरुआत शुष्क हवाओं से ही होती है जो त्वचा पर गहरा प्रभाव डालती है और उसकी नमी को नष्ट कर देती है। इससे हमारी त्वचा में खिंचाव व रूखापन पैदा होता है और इसका असर हमारे चेहरे पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर पर होता है। श्रोताओं, जैसे आप आजकल देख ही रहे होंगे, इस गुलाबी ठंड ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस मौसम में सेहत के साथ साथ त्वचा की भी देखभाल आवश्यक होती है। वैसे भी सुंदर और मुलायम त्वचा पाने की ख्वाहिश तो हर किसी को होती है ना, हर कोई इसके लिए अपनी तरफ से ढेरों प्रयास करते हैं ताकि चेहरे की रंगत बनी रहे और बढ़ती उम्र भी कम दिखे। श्रोताओं, भले ही गर्मियों का मौसम खत्म हो गया हो, भले ही हम गर्मी की धूप से बच गए हों, पर हम हर मौसम में अपने फायदे और नुकसान जो हमारी त्वचा पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और सर्द का मौसम, ये हवाएं कई प्रकार से हमें हानियां पहुंचाती हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ महिलाओं से और जानते हैं कि वो अपनी त्वचा की देखभाल जाड़ों के मौसम में कैसे करती हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा विष्ट है। पूजा, देखो सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो हाथ पैर फट जाते हैं इस मौसम में कई सारे लोगों के, आपके भी फटते होंगे? हाँ। अच्छा, तो जाड़ों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए तुम क्या करती हो, हाथ पैरों को सुरक्षित रखने के लिए और त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए? ज्यादा कुछ तो मैं कुछ करती नहीं, जहाँ तक है घर में मोमबत्ती की वैसलीन बना लेती हूँ और दुकानों से कभी कभी 20 रुपए की अगर कहीं जाना हो तो वैसलीन ले आती हूँ। अच्छा, तो जाड़ों में ही क्यों फटता है ये चेहरा और मौसम में क्यों नहीं फटता है, मालूम है इस बारे में? इस बारे में तो ज्यादा मालूम नहीं है, जहाँ तक है ठंड की वजह से फट जाते हैं सर। एक और है यहाँ पे साथी, उनसे भी पूछते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेमा है। अच्छा हेमा जी, आपका भी चेहरा फटता होगा जाड़ों में, जाहिर सी बात है, तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करती हो आप? हाँ। क्या जतन करती हूँ? जी जी जी, मैं तो बहुत सारे उपाय देखती हूँ, जो मुझे जिसने जो कुछ बताया मैं वो करती हूँ, ठीक है, और खुद से भी कोशिश करती हूँ, इधर उधर देखती हूँ कि कैसे बचूँ इस क्योंकि जैसे ही ठंड का मौसम लगता है, सर्दी का मौसम लगता है, अपने आप हाथ पैर फटते हैं, जबकि कुछ काम ना भी करो, और अगर काम करो तो और भी हालत खराब हो जाती है। तो खेत में घास काटने जाओ या फिर कुछ भी करो, ठंडे पानी से मुंह धोओ सुबह, तो चेहरा रूखापन हो जाता है चेहरे में। वैसलीन लगाओ, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, तेल लगाओ, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, तो मतलब बाजार की वैसलीन लगाओ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रीम लगाओ कोई भी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे जाड़े का मौसम तो काफी समय तक रहता है, तो क्या पूरे समय भर ऐसा ही रहता है, कभी कोई फर्क नजर नहीं आता है? हाँ, नहीं आता नजर, लेकिन यह है कि फिर अगर किसी ने कुछ घरेलू उपाय बता दिया या कोई कहता है ग्रीसलीन लगा के फटता नहीं है मुंह, तो कोशिश तो रहती है केयर करने की अपने, तो जब मैं सारी वैसलीन इस्तेमाल करती हूँ कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं एक चीज फिर करती हूँ, ग्रीसलीन जो बाजार में मिल जाती है कम रुपयों में भी, 11 रुपये में भी मिल जाती है, जो यहाँ की महिलाएं खरीद भी सकती हैं, ठीक है, और अगर उससे ज्यादा वाली चाहिए तो फिर वो तो उन पर निर्भर है कि वो कितनी बड़ी ग्रीसलीन लेके आते हैं, ठीक है। ग्रीसलीन में मैं गुलाब जल मिक्स करती हूँ, गुलाब जल भी बाजार में मिल जाता है आराम से,
ठीक है, तो गुलाब जल और ग्रिसलिन मिक्स करती हूँ, और उसमें कागजी नींबू की 2-4 बूंदें मिक्स करती हूँ। और शाम को सोते समय जहाँ पे मुंह में फटा है या हाथ पैरों में जहाँ पे फट रखा है तो वहाँ पे लगा देती हूँ। सुबह तक वो एकदम से ठीक तो नहीं हुआ रहता है, लेकिन जो एक सॉफ्टनेस होती है वो हाथ पैर और मुंह में वो रहती है, त्वचा नमी रहती है और रूखापन नहीं रहता जो पहले की तरह, जैसे मुंह धो ठंडे पानी में और हाथ मुंह धो तो अजीब से जर्जरे रहते हैं, वो नहीं रहता है, नमी रहती है। और धीरे 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 आप लगातार इसका इस्तेमाल करो तो काफ़ी अच्छा फायदेमंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक महिला यहाँ पर और है, नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार जी, तो मेरा नाम खष्टी सर। अच्छा दीदी, आफू की करछा जब अपन त्वचा फाटे जाड़ो मौसम में अक्सर खासकर, तो आफू की उपाय करछा? मैं घर में वाशलीन बना ली हूँ और दुकान में वाशलीन बोरो प्लस तो चीला लगा ली हूँ। खुटता में आने फाटन मतलब मैं खुटा के तो दिखावे न करें, नया जुला पर हाल रखो, हाथ फाट जाने सही काम करें, मैं ठंडे पानी कष्ट का जल्दीबाजी में ठंडे पानी में मूँग धोली हूँ और हाथ बहुत ज़्यादा फाट जाने पर। अच्छा, तो आपको मालूम है कि यह सर्दी मौसम में किले फाटनी, लेकिन गर्मी और बरसात में तब तक हमारा हाथ खुट बहुत बढ़िया रहनी कने की सर्दी मौसम में कठोर पान हो रोने तब फाटन ना। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक महिला इतना और चीज इतना पूछ ले लूँ। नमस्कार दीदी, अपन नाम? मेरा नाम लक्ष्मी बिष्ट छेरी। अच्छा, तो अक्सर खूबसूरत और कोमल त्वचा तो सब चाहनी की हमारे लिए होने, तो इन्हों के कोमल और खूबसूरत करने के लिए आपको क्या जतन कर सा? गर्मियों में तो ठीक है रे, और जाड़ों में फाट जे तो जाड़ों में हम रात ब्याह हाथ फुट धुंचे और गर्म पानी धुंचे, ठंडल तो ज़्यादा खराब हो जाने म्यार और जी और पत्तने मतलब म्यार हो जाने, तो ब्याह का गर्म पानी धुंचे बात है जो घर में वाशलीन बना रहा हूँ या बाजार वर ला वो लगा लें चेन और फिर बोलो प्लस इस्तेमाल कर लें चेन। अच्छा, मतलब तो कभी आप बहुत सारा चारों बाजार में नई नई चीज़ें आ गए हैं, अलग अलग प्रकार की क्रीम जो गोरा का नीचे रखे, तो आपको विश्वास कर छा इन चीज़ों में? हल्को दुल्को करो पे कष्ट के। श्रोता, त्वचा की देखभाल करना कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए हम हफ्ते या फिर महीने तक प्रतीक्षा करें। त्वचा को खूबसूरत और कोमल बनाए रखने के लिए रोजाना त्वचा की देखभाल करना जरूरी होता है। त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और एक खास बात मैं आपको बता देती हूँ, स्वस्थ और बेदाग त्वचा पाने के लिए कम वसा व प्रोटीन युक्त भोजन बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही फलों का सेवन और ककड़ी हमारी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। श्रोता, सर्दी की हवाएं हमारे चेहरे को काफी नुकसान पहुंचाती हैं, तो चेहरे को मुलायम बनाए रखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। मलाई में नींबू के रस को अच्छे से मिलाने के बाद अपने हाथ और पैरों में लगाएं और उसे 30 मिनट तक का अपने हाथ और पैरों में लगे रहने दें। इसके बाद इसे धो लें। यह प्राकृतिक उपाय आपकी त्वचा को अच्छी देखभाल देता है। साथ ही सर्दियों में त्वचा की देखभाल व मुलायम बनाए रखने के लिए नारियल के तेल की मालिश करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह त्वचा को मुलायम रखता है। वैसे सर्दियों के मौसम में त्वचा खूबसूरत तो रह सकती है, पर सर्द हवाएं त्वचा का तेल व नमी को सोख लेता है। यूं तो चेहरे की मालिश हर मौसम में होनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। श्रोताओं, नारियल और बादाम का तेल त्वचा की रंगत को बरकरार रखता है। एक खास बात और, त्वचा शरीर के ऊपर की परत होती है, अगर यह स्वस्थ दिखेगी तो आप खुद स्वस्थ दिखेंगे और जमा भी दिखते हैं। वैसे रूखी त्वचा होने के कई कारण होते हैं। वैसे हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है जो हमारी त्वचा को झुर्रियों और पपड़ियों से मुक्त करती है, लेकिन सर्दियों के मौसम के दौरान शुष्क हवा हमारे शरीर की नमी को सोख लेती है और शरीर को शुष्क व बदसूरत बना देती है। इसीलिए हम गर्म पानी से शरीर व हाथ पैर को धोना पसंद करते हैं या लंबे समय तक गर्म पानी का उपयोग करते हैं। और कहा जाता है कि जो हमारे त्वचा के लिए नुकसानदायक होता है, जो हमारे त्वचा की रंगत को बिगाड़ देता है। तो सखियों, आइए इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सभी को ले चलती हूँ डॉक्टर संगीता जी के पास। उन्हीं से जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में कैसे करें अपनी त्वचा की देखभाल। सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण ना इसे ऑयल होता है वो, क्योंकि जैसे गर्मियों में ज्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है तो लगता है कि ऑयल ऑयल फेस ऑयली जैसा लग रहा है, तो गर्मियों सर्दियों में ठंडी के कारण ऑयल सिक्रेशन बन ही जाता है, तो इसकी वजह से जो हम ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी सी हो जाती है।
मैम बिल्कुल, चेहरा सूखा पड़ जाता है, ड्राई हो जाता है काफ़ी, तो इस दौरान हम चेहरे पे ऐसा क्या करें, किस तरह से हम सेफ्टी अपनाएं कि चेहरा अच्छा रहे और खूबसूरत रहे, सभी चाहते हैं कि खूबसूरत और चमकदार चेहरा बना रहे। उसके लिए तो नहाने के सबसे अच्छा उपाय होता है कि नहाने के पानी में थोड़ा सा नारियल तेल या कोई सा तेल मिला करके अगर नहा लेते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे नहाने के पहले पूरे शरीर में नारियल तेल लगा ली, चेहरे में भी शरीर में, उसके बाद नहाएंगे तो भी शरीर में वो ऐसे सूखा सूखा नहीं होता है। और फिर नहाने के बाद कोई मॉइस्चराइजर लगा लिया, रात को सोने के टाइम कोई मॉइस्चराइजर लगा लिया, बस ऑयल देना होता है, शरीर को ऑयल की ज्यादा जरूरत पड़ती है स्किन को। जी मैम, एक चीज़ और, ये तो रही आपने कहा कि हम मसाज वगैरह कर सकते हैं, तेल की बात आपने कही, क्या उसके अलावा कोई जाड़ों के मौसम में ऐसा खान पान जो त्वचा पे अच्छा प्रभाव डालता हो? मौसम में खान पान हमेशा ही, मतलब मौसम के हिसाब से नहीं, खान पान हमेशा ही फ्रूट खाने चाहिए, फल खाने चाहिए, सब्जियाँ खानी चाहिए थोड़ा, और बहुत ज्यादा तला भुना तो कभी भी नहीं, ना गर्मियों में ना सर्दियों में। अच्छा पौष्टिक आहार लेंगे, प्रोटीन वाला आहार लेंगे तो हमेशा स्किन अच्छी रहेगी। बिल्कुल, एक चीज़ और जो हम खासकर हमारी बहुत बड़ी समस्या है मैम पहाड़ों की, जाड़े के मौसम में पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं, बहुत लंबी बड़ी बड़ी दरारें हो जाती हैं, तो जिससे बहुत परेशान होते हैं अक्सर महिलाएं, तो इसके लिए क्या करें हम जो दरारें एकदम से ठीक भी हो जाएं और दर्द ना करें? दरारों के लिए सबसे अच्छा एक तो पैरों को साफ, एक तो पहले मोजे पहनना है, कहीं चलना हो तो चप्पल पहनना है, और उसके अलावा रात को जैसे सोने के टाइम पे बाल्टी में पानी थोड़ा गुनगुना पानी रखकर पैर डुबा कर अच्छे से थोड़ी देर डुबा के रखने के बाद वो मैल पूरा निकल खुल जाता है, उसके बाद फिर अच्छे से रगड़ के निकाल के उसके बाद नारियल तेल या कोई ग्लिसरीन में गुलाब जल मिला के उसको मिलाकर तो लोशन जैसा बना के पैरों में लगा के मोजे पहन के, कॉटन के मोजे पहन के सो जाएंगे तो धीरे धीरे दरारें भर जाती है। बिल्कुल मैम, एक चीज और मैंने सुना है अक्सर ये कि लगातार गर्म पानी से अगर हम मुंह धोते हैं तो वो भी चेहरे पर नुकसान पहुंचाता है, क्या ऐसा वास्तव में होता है? हाँ होता है, अगर गुनगुने गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, हमेशा मुंह ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, और साबुन कड़े मतलब जो हार्श साबुन होते हैं उनका भी उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे भी चेहरा ड्राई हो जाता है, कोई कोई हार्श केमिकल वाले होते हैं तो उससे भी चेहरा ड्राई हो जाता है, और ज्यादा गर्म पानी या ज्यादा गुनगुने हमेशा गुनगुने पानी से या गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, उससे भी त्वचा रूखी और शुष्क होती है, हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए। जी, तो मतलब गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अब जाड़े का मौसम शुरू हो चुका है तो काफी ठंड होती है, पहाड़ों में बहुत ठंडी होती है ना, तो उसके लिए हल्का गुनगुना, जैसे गुनगुना पीने के लायक जो हम पीते हैं जितना हम पी सकते हैं ना जी, जितना गुनगुना हम सह सकते हैं, बहुत ही गुनगुना सा पानी दे करके हम कहते हैं कि पहाड़ में पानी तो बहुत ठंडा होता है। जी, तो श्रोताओं रखिए अपने स्वास्थ्य, अपने चेहरे का ध्यान, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहिए कार्यक्रम महकता आंचल।